नमस्कार दोस्तों, मैं विजय विक्रम सिंह चंद्रा इंस्टीट्यूट के यूट्यूब चैनल पर आप सभी प्यारे मित्रों का बहुत बहुत स्वागत करता हूं। मेरे दोस्त, जैसा कि आपने पिछले वीडियो में देखा, हमने स्वर की चर्चा की। आज हम यहां स्वर के भेद लेकर आपके लिए उपस्थित हुए हैं। देखिए, यदि हो सकता है आपको, मैंने पहले ही इसलिए आपसे कहा कि आपको बता दूं, एक बार आपको हो सकता है कि लगे कि नहीं थोड़ा सा एक्स्ट्रा हो रहा है, बट दोस्तों एक बात ध्यान रखिएगा, कई बार जब पैटर्न में थोड़ा सा परिवर्तन होता है तो जो एक्स्ट्रा हम पढ़े होते हैं वही हमारे काम आता है। इसीलिए हम व्यापक पैमाने पर जितने भी पोर्शन को उठा रहे हैं ढंग से उठा रहे हैं, ताकि कभी भी अगर पेपर में कुछ पैटर्न में चेंज भी हो, पैटर्न का इन द सेंस कि प्रश्नों के स्तर में अगर कुछ परिवर्तन हो, तो आप वहाँ डिफीट ना हो, आपको जरा भी दिक्कत ना आए। तो आइए चर्चा करते हैं स्वर के भेद की। देखिए, मैं आपको एक बात बता दूं, याद कर लीजिए तरीका। स्वर तीन, एक दो तीन, यहां हम आधे को एक मान लेते हैं, आधे स को, तो स्वर एक दो तीन, मतलब तीन आ गया। बस इतने से दिमाग में बिठा लीजिए कि स्वर के तीन भेद होंगे और तीनों के अंतर भी तीन तीन भेद होंगे, बस दिमाग में सारी बात बैठी रहेगी। चलिए, तो स्वर को तीन प्रकार से विभाजित किया जा सकता है, व्युत्पत्ति या बनावट के आधार पर, मात्रा के आधार पर और जिह्वा की उच्चारण स्थिति के आधार पर। इस तरह से हम स्वर को तीन प्रकार से विभाजित करते हैं। आइए पहले भेद की चर्चा करते हैं, व्युत्पत्ति या बनावट के आधार पर स्वर के भेद। देखिए दोस्तों, अगर हम व्युत्पत्ति या बनावट के आधार पर स्वर के भेद की बात करें, तो जो सबसे पहला प्रश्न हमारे सामने आता है वो यही आता है कि व्युत्पत्ति या बनावट का मतलब क्या है, इसका अर्थ क्या है। तो दोस्तों याद रखिएगा, व्युत्पत्ति या बनावट का मतलब है स्वर किस प्रकार से बनते हैं। स्वर जो हमारे जितने भी 11 स्वर हैं, तो इन स्वरों का निर्माण कैसे होता है, ये बनते कैसे हैं, इसी को कहते हैं व्युत्पत्ति या बनावट। ठीक, तो दोस्तों याद रखिएगा, स्वर तीन प्रकार से बनते हैं, मूल स्वर, दीर्घ स्वर और संयुक्त स्वर, तीन तरह से स्वर बनते हैं। अब आइए देखते हैं मूल स्वर क्या है। देखिए, मूल शब्द पर जरा सा गौर करिए दोस्त, मूल का मतलब होता है जड़, रूट जिसे आप कहते हैं जड़। ठीक है, देखिए दोस्तों, जैसे एक आपको बात बताता हूं, थोड़ा सा ध्यान से सुनिए। जब आप जमीन में कोई बीज बोते हैं, तो पहले उस बीज से जड़ निकलती है और वही जड़ उस फिर उस जड़ से जब वो जो है खाद और पानी लेता है जो है वह बीज, तब उससे एक नन्हा पौधा निकलता है और वही पौधा बड़ा होकर एक वृक्ष बन जाता है। तो मेरे कहने का अर्थ यही है कि जड़ जो है वो सबसे पहले निकलती है, नंबर एक। इस कहानी की तरह से दिमाग में बिठाइए, जड़ सबसे पहले निकलती है, नंबर एक। नंबर दो, जड़ से ही सारे पौधे का निर्माण होता है। तो यदि हम मूल स्वर की बात करें, यदि हम मूल स्वरों की बात करें, तो हम ये कह सकते हैं कि वे स्वर जो जड़ की तरह से सबसे पहले बने हैं, मूल मूल माने जड़, जड़ सबसे पहले बनती है, तो वे स्वर जो सबसे पहले बने हैं तथा जड़ से मिलकर ही संपूर्ण पौधा बनता है, तो जिनसे मिलकर अन्य स्वर बनते हैं उन्हें हम मूल स्वर कहते हैं। ठीक, मूल स्वर कौन है, वे स्वर जो सबसे पहले बने तथा जिनसे मिलकर अन्य सभी स्वर बनते हैं उन्हें कहते हैं मूल स्वर। ओके, अब ये मूल स्वर हैं कौन से, अ ई उ री मूल स्वर हैं। अब देखिए इसमें, चलिए एक बात तो आपको समझ में आ गई होगी कि ये सबसे पहले बने हैं, ठीक है, लेकिन आपको ये चीज जरूर कंफ्यूज कर रही होगी कि इनसे मिलकर किस तरह से अन्य स्वर बनते हैं। तो हम आगे इन चीजों की लगातार चर्चा करेंगे और अन्य स्वरों के निर्माण में दिखाएंगे कि कैसे मूल स्वरों से ही सारे स्वर बनते हैं। तो आइए दूसरी चर्चा करते हैं, दीर्घ स्वर। दीर्घ, दीर्घ का मतलब होता ही है बड़ा, तो कहने का मतलब एक ही मूल स्वर जब दो बार जोड़ा जाए और दो बार जोड़ने पर वह जो नया स्वर बना लेता है उसे कहते हैं दीर्घ स्वर। जैसे अ अ को मिलकर आ बनता है तो आ दीर्घ स्वर है, छोटी छोटी मिलकर बड़ी बनती है तो बड़ी दीर्घ स्वर है, छोटा उ मिलकर बड़ा उ बनता है तो बड़ा उ दीर्घ स्वर है, और री मिलकर बड़ा री बनता है तो बड़ा री दीर्घ स्वर है। इस तरह से हमारे चार दीर्घ स्वर हैं, आ बड़ी ई बड़ा उ और बड़ा री। ठीक,
दीर्घ स्वर समझ गए। एक ही मूल स्वर को दो बार जोड़ दीजिए, जो उसका दीर्घ रूप बनेगा वो दीर्घ स्वर है। आइए चर्चा करते हैं संयुक्त स्वर की, सबसे महत्वपूर्ण। देखिए दोस्तों, संयुक्त का मतलब ही होता है दो का मेल या दो का योग। तो कहने का मतलब जब दो स्वर आपस में मिल करके एक नए स्वर का निर्माण करते हैं तो उसे संयुक्त स्वर कहते हैं। कैसे? अ धन ई मिलकर ए का निर्माण करते हैं, अ या आ, अ मतलब यहाँ अ आ दोनों, ई माने छोटी बड़ी दोनों मिलकर ए बनाते हैं, अ आ ए आ मिलकर ए बनाते हैं, अ आ उ उ मिलकर ओ बनाते हैं, अ आ ओ औ मिलकर औ बनाते हैं। इस तरह से ए ऐ ओ औ, ये चारों हमारे क्या हैं? चारों हमारे संयुक्त स्वर हैं। ठीक है, ए ऐ ओ औ ये चारों संयुक्त स्वर हैं। ठीक, तो इस तरह से दोस्तों हमने देखा दीर्घ स्वर क्या है, ह्रस्व स्वर मूल स्वर कौन से हैं, दीर्घ स्वर कौन से हैं और संयुक्त स्वर कौन से हैं। अब यहाँ एक चीज आपके दिमाग में बात आई होगी कि हमने एक बड़ी री का प्रयोग किया इस तरह से, जब री में ये नीचे वाला भाग दो बार घुमा दिया जाता है तो उसे बड़ी री कहते हैं। तो अब आप सोच रहे होंगे कि इसका प्रयोग कहाँ होता है, तो देखिए दोस्तों इसका प्रयोग लिखने में नहीं होता, इसका प्रयोग उच्चारण में होता है। जैसे मैं उच्चारण आपको करके दिखाता हूँ, अमृत 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 अमृत, यहां री पर बल पड़ रहा है तो ये दीर्घ री है, लिखा तो यूं ही जाएगा अमृत में री यूं ही लगेगी, लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि यहां पढ़ने में बल पड़ रहा है तो ये दीर्घ हो जाएगा, और अमृत यहां बल नहीं पड़ रहा है तो ह्रस्व हो जाएगा। तो दीर्घ और ह्रस्व में री, याद रखिए री लिखा एक ही तरह से जाता है, पढ़ने में केवल ह्रस्व और दीर्घ का उच्चारण किया जाता है। नेक्स्ट आते हैं मात्रा की दृष्टि से स्वर के भेद। देखिए दोस्तों बचपन से ही आप लगातार पढ़ते आए होंगे छोटी की मात्रा, बड़ी की मात्रा, छोटा ऊ की मात्रा, बड़ा ऊ की मात्रा। वास्तव में आपको ये सोचना है कि मात्रा शब्द हम कई बार जान चुके हैं, प्रयोग कर चुके हैं, मात्रा का मतलब क्या है? तो मेरे भाई मेरे दोस्त याद रखना, मात्रा का मतलब है किसी भी स्वर के उच्चारण में लगने वाला समय, किसी भी स्वर के उच्चारण में जो समय लगता है उस समय को हम कहते हैं उसकी मात्रा। तो मात्रा की दृष्टि से स्वर तीन प्रकार के होते हैं, ह्रस्व स्वर, दीर्घ स्वर और प्लुत स्वर। ठीक, अब आइए चर्चा करते हैं ह्रस्व स्वर की। ह्रस्व स्वर क्या है? तो देखिए ह्रस्व माने छोटा, दीर्घ माने बड़ा। ठीक, और मात्रा यहां आप जान ही रहे कि हम मात्रा की दृष्टि से बात कर रहे हैं, अर्थात उच्चारण में लगने वाले समय की दृष्टि से बात कर रहे हैं। तो जिन स्वरों के उच्चारण में एक मात्रा का समय लगता है और एक से कम मात्रा नहीं हो सकती, तो सबसे कम समय लगता है या एक मात्रा का समय लगता है उन्हें हम ह्रस्व स्वर कहते हैं। अ ई उ री ह्रस्व स्वर है, और आप जानते हैं दोस्तों ह्रस्व स्वर को एक खड़ी पाई से डिनोट करते हैं, एक खड़ी पाई से निर्देशित करते हैं, जैसे अ ई उ री, ये ह्रस्व है। आइए दूसरी चर्चा करते हैं दीर्घ स्वर की। दीर्घ स्वर क्या है? तो मैंने कहा ह्रस्व का उल्टा है दीर्घ। तो जिन स्वरों के उच्चारण में ह्रस्व का दुगुना समय लगे या दो मात्रा, भाई ह्रस्व में एक मात्रा का समय लगा तो उसका दुगुना माने दो मात्रा, तो जिन स्वरों के उच्चारण में दो मात्रा का समय लगता है उन्हें दीर्घ स्वर कहते हैं। आ बड़ी ई बड़ा ऊ बड़ा री ए ऐ ओ औ, ये दीर्घ स्वर है। अब देखिए जब बहुत अधिक डीप जाएगा, खूब कठिन करेगा, तो एक चीज यहाँ आपसे प्रश्न कर सकता है, आपसे ये पूछ सकता है कि कौन सा ऐसा स्वर है जिसका ह्रस्व रूप नहीं होता, वह कौन सा ऐसा स्वर है जिसका ह्रस्व रूप नहीं होता। आप देखिए ए आए दोनों दीर्घ हैं और ओ औ दोनों दीर्घ हैं, तो कहने का मतलब ए ऐ और ओ औ ऐसे स्वर हैं जिनका ह्रस्व रूप नहीं होता, ये दोनों के दोनों क्या होते हैं? दीर्घ होते हैं। अब आइए प्लुत स्वर की चर्चा करते हैं। जिन स्वर, देखिए प्लुत, अब सबसे बड़ी समस्या है एक मात्रा, अच्छा ये भी ध्यान रखना दोस्तों, दीर्घ स्वर को यश से डिनोट करते हैं, मतलब जिसके ऊपर यश लगा हो समझ लीजिएगा कि उसकी कै मात्रा है, दो मात्रा है। ठीक, अब सबसे बड़ी बात यह होती है कि चिन्ह तो यही दो होते हैं, फिर प्लुत स्वर कहाँ से आ गया और कैसे आया, क्या होता है? तो देखिए कई बार हम क्या करते हैं, प्रयोग के अनुसार बोलने में किसी स्वर पर दो मात्रा से अधिक का भी समय लग जाता है। जैसे हम किसी को बुला रहे होते हैं जो है मनोज हैं,
अब यहाँ देखिए है को हमने दो मात्रा से अधिक का समय लग गया, है हमने है नहीं कहा, है दो मात्रा से ज्यादा का समय लगा। और जब दो मात्रा से ज्यादा का समय लगा तब इसका क्या होगा, तो जब दो मात्रा से अधिक का समय लगा तो ये प्लुत स्वर हो जाएगा। ठीक है, तो सबसे खास बात है जिन स्वरों के उच्चारण में तीन मात्रा का, और इससे देखिए मिनिमम एक मैक्सिमम तीन, इससे ज्यादा मात्रा नहीं होती, तो जिन स्वरों के उच्चारण में तीन मात्रा का समय लगता है हम उनको जो है प्लुत स्वर कहते हैं। और दोस्तों ध्यान रखिएगा प्लुत स्वर की सबसे बड़ी पहचान है, कुछ नहीं करना, प्लुत स्वर आप देखते ही पहचान लेंगे। प्लुत स्वर की सबसे बड़ी पहचान यही है कि जो भी प्लुत स्वर होगा उसके जस्ट बगल में तीन लिखा होगा। जैसे आइए आपको एक उदाहरण देखिए, देखिए आपने कभी ध्यान दिया होगा ओम इस तरह से लिखा रहता है, इसका मतलब हम इसे ओम नहीं पढ़ सकते, हमें पढ़ना होगा ओम, क्या पढ़ना होगा ओम। ठीक, तो इस तरह से ओम किसका उदाहरण है, प्लुत स्वर का उदाहरण है। ठीक है, अब ये तो हो गए हमारे तीन मात्रा की दृष्टि से। अब तीसरा भेद देखते हैं, जिह्वा की उच्चारण स्थित के आधार पर स्वर के भेद। तो कुछ नहीं करना, मैंने बहुत शॉर्टकट में ये चीज आपके लिए समझा दी है, एक सूत्र ये है, ये सूत्र है एक, इसी सूत्र को याद कर लेना दोस्त, आपका काम चल जाएगा। देखिए पहले आप समझिए, ये हमारी जिह्वा है, हमारी जिह्वा के तीन भाग होते हैं। ये हमारी जिह्वा का ये सबसे आगे का भाग है, इसे अग्रभाग कहते हैं, बीच के भाग को मध्य भाग कहते हैं और पीछे के भाग को पश्च भाग कहते हैं। ठीक है, जिह्वा की स्थिति के तीन भाग हैं, अग्रभाग, मध्य भाग और पश्च भाग। अब किसका उच्चारण कहाँ से होता है ये हमें बताना है, तो ध्यान रखिएगा इसका मैंने एक सूत्र बनाया है, आओ उल्लू पीछे पीछे, अ को छोड़ो बीचे बीचे, यही सूत्र रट लीजिएगा, आओ उल्लू पीछे पीछे, अ को छोड़ो बीचे बीचे। अब यहां क्या करना, अ को छोड़ो, देखिए पहले यहां से देखिए, अ को छोड़ो बीचे बीचे, बीचे माने मध्य, इसका मतलब अ को कहां छोड़ना है, मध्य में छोड़ना है, इसका मतलब अ कैसा स्वर है, मध्य स्वर है, याद हो गया, अ को छोड़ो बीचे बीचे, अ को कहां छोड़ना है, बीच में छोड़ना है, मध्य में छोड़ना है, तो अ मध्य स्वर हो गया। फिर क्या कर रहे हैं, आओ उल्लू पीछे पीछे, पीछे पीछे माने पश्च स्वर, पश्च स्वर में कौन है, आ, आ में हम आ दोनों नहीं ले सकते, क्यों, क्योंकि अ तो ऑलरेडी मध्य स्वर में चला गया है, तो आ माने केवल आ, ओ, ओ माने ओ औ दोनों, ऊ, ऊ माने छोटा ऊ बड़ा ऊ दोनों, ये क्या है, पीछे पीछे माने पश्च स्वर है, तो आ ओ औ ऊ, ये क्या है, पश्च स्वर है। और इन दोनों के अलावा जो बचे वो अब जो है, ये दोनों जो है आ और ये दोनों जो है हमारे पश्च स्वर, क्षमा करें लिखने में थोड़ी सी गलती हो गई, तो ये आ उ, 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 ओ औ, ये हमारे पश्च स्वर हैं। और इनके अलावा अब जो बचे वो अग्रस्वर होंगे, तो बचे कौन, छोटी ई बड़ी ई ए आए, बस एकदम आसान, एक बार में याद हो गया, आओ उल्लू पीछे पीछे, आओ उल्लू पीछे पीछे, अ को छोड़ो बीचे बीचे, तो आ, आ माने आ, अ को बीचे में छोड़ना है तो अ तो लेंगे नहीं, आ ओ औ उ, उ, ये क्या है, हमारे पश्च स्वर हैं, अ को बीच में छोड़ना है, अ मध्य स्वर है, इ इ ए ऐ अग्रस्वर हैं, यही हमने यहाँ चित्र बना दिया है, अग्रस्वर आ उ, उ, ओ औ, मध्य स्वर जो है ये रुके फिर से एक बार, थोड़ा सा लिखने में गलती हो गई, आ, आ ये अग्रस्वर हैं, छोटी ई बड़ी ई ए ऐ, ठीक, और पश्च अ मध्य स्वर है, पश्च स्वर है आ ओ औ उ, उ, ये पश्च स्वर है। तो दोस्तों ये रहा स्वरों का पूरी तरह से विभाजन, कितना भी कठिन पेपर कर दें इससे ज़्यादा के डीप जाने की कोई गुंजाइश नहीं, इसलिए मैंने अंतिम लेवल तक आपको पढ़ाया, क्योंकि आप सिविल के स्कॉलर हैं, अच्छे कंपटीशन के स्कॉलर हैं, परीक्षा का स्तर अगर थोड़ा सा ऊपर होता है तो दिक्कत आ सकती है, इसलिए मैंने अंतिम समय अंतिम सीमा तक आपको पढ़ाया। मिलते हैं अगले वीडियो में, व्यंजन की चर्चा करेंगे, एक बार कमेंट करके ज़रूर बताएंगे आपको ये वीडियो कैसा लगा, बहुत बहुत धन्यवाद।